तो अगर आपने सर्विस करवानी है यानी कि बाइक वॉश करवानी है, 100 रुपया उसका डाल लें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर ऑल वेल। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हुंडा 125 की मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में। हम बाइक तो ले लेते हैं लेकिन बाद में इशू फेस करने पड़ते हैं, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होती है। सो बाइक लेने से सबसे पहले अच्छी बात है कि उसकी स्पेयर पार्ट्स की प्राइस और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में जान लेना चाहिए कि मेरा मंथली इतना बजट हो सकता है या नहीं हो सकता। सो आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे इसकी और मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूंगा CD70 के जो पार्ट्स और हुंडा 125 के पार्ट्स हैं, इन दोनों में कितना प्राइस का डिफरेंस है और सारी डिटेल्स इसमें दी जाएगी। और मैं आपको ये भी बात बताऊंगा कि आपने आयल कितनी देर बाद चेंज करवाना है और कितनी देर बाद नहीं चेंज करवाना। बेसिकली सबसे पहले अगर हम आयल चेंज के बारे में बात करें, बेसिकली हमारे बहुत से फ्रेंड्स होते हैं जो मंथ के बाद चेंज करवा लेते हैं आयल और ट्यूनिंग भी करवा लेते हैं, तो जिसकी वजह से हम इसको नाम दे देते हैं मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट। लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है, आपको रिकमेंड किया जाता है कि आपने 1000 किलोमीटर के बाद आयल चेंज करवाना है और ट्यूनिंग करवानी है। सही है, तो अगर आप बाइक बहुत कम यूज़ करते हैं, आप मीटर वगैरह की तरफ देख लें, जब आपकी 1000 किलोमीटर चल जाए देन आप चेंज करवा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल यूज़ नहीं करते तो आप 6 महीने के बाद अपना आयल चेंज करवा सकते हैं। सो अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं यानी कि आप मीटर रीडिंग को नोट रखते हैं कि आपने 6000 रुपये चेंज करवाना है, 7000 रुपये चेंज करवाना है, देन गुड। अगर आप मंथली चेंज करवाते हैं तो आप ये बात श्योर कर लें कि आपकी जो बाइक है 1 महीने में कम से कम 1000 किलोमीटर तक चली हुई हो। सो अगर कम भी चली है देन कोई बात नहीं है, आपकी बाइक की पिकअप अच्छी होगी लेकिन आपका ख़र्चा ज़्यादा होगा। सो अब हम बात कर लेते हैं बाइक की ऑयल की प्राइस के बारे में यानी कि इंजन ऑयल के प्राइस के बारे में। सबसे पहले हम बात करें हुंडा के इंजन ऑयल की प्राइस की, उसकी आई थिंक 380 से स्टार्ट हो जाती है और दूसरे जो ऑयल है हैवोलिन हो गया, जिक हो गया, ये जाते हैं 420 तक। तो इतना डिफरेंस है। बेसिकली इन पे नंबर दिए होते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिक की, रियल वर्सेस फेक। तो हुंडा के ऑयल में, इंजन ऑयल में भी रियल आ रहे हैं, फेक आ रहे हैं, तो आप ज़रा इंजन ऑयल को ज़रा तरजीह दें, इसको अच्छे से अच्छा जो आपको मिले जिस शॉपकीपर पर आपको बिलीव हो उसके पास जाएं और उससे इंजन ऑयल बाय करें। अब हम ट्यूनिंग की प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। ट्यूनिंग की डिफरेंट प्राइस है, 200 से शुरू हो जाती है, 300 तक जाती है। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है ऑयल फिल्टर। बेसिकली जो CD70 है उसमें ऑयल फिल्टर आई थिंक चेंज होता है, लेकिन जो 125 है उसमें ऑयल फिल्टर चेंज नहीं होता। 125 2017 से ऑनवर्ड जितने भी मॉडल हैं उनमें ऑयल फिल्टर चेंज नहीं होता। तो अगर आपने सर्विस करवानी है यानी कि बाइक वॉश करवानी है, 100 रुपया उसका डाल लें। तो सारी कैलकुलेशन करके आपकी बाइक पर खर्चा आ रहा है जी 800 रुपया। सही है, 400 का आपने ऑयल, 300 आपने ट्यूनिंग दे दी और आपने 100 रुपया दे दिया। ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से आपको खर्चा बताया, 800 रुपया रख के आपने चलना है मंथली। अब हम इनकी फ्यूल एवरेज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लोगों का, क्योंकि फ्यूल एवरेज मैटर करती है। अब हम सिटी के बारे में बात करें फ्यूल एवरेज 125 की, तो सिटी में ये आपको आपके ड्राइव पे बहुत डिपेंड कर 30 से अप देती है, 30 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा एवरेज देती है, यानी कि 32 से 35 तक लगा ले। अगर हम सिटी के बारे में बात करें तो मेरे बाइक की मीटर की वायर ख़राब हो चुकी है, लेकिन मैंने फ़िलहाल ही ट्रैवल किया है, लॉन्ग ट्रैवल किया है, यानी कि फैसलाबाद से शाहकोट गया हूँ। तो ये टोटल जो सफ़र था ये 62 किलोमीटर सफ़र था, जिसको मैं तो बात करने का मकसद ये है कि मेरे बाइक की एवरेज लॉन्ग पे 45 से अबव आ रही है।